जीटी ने हर तरफ बवाल मचवा रखा है, लैपटॉप में कंप्यूटर ने हर तरफ दौड़ी जा रही है, बट आज हम GTA 5 एक स्मार्टफोन के अंदर चला पाएंगे और ये आप में से कोई भी चला सकता है। और कोई भी महंगा मोबाइल नहीं चाहिए, एक सस्ते से मोबाइल से भी काम हो जाएगा, एंड्रॉइड होना चाहिए। ज्यादा टाइम वेस्ट कर Let's go। हमने से कब से लोगों को याद हो, हमने पुराने वाली वीडियो में साइबर पंक मैक्सिमम सेटिंग्स पे मोबाइल के ऊपर चला दी थी। और एक काफी छोटी सी ऐप थी जिसका हमने यूज करा था, वो थी ये ऐप है एनवीडिया की जीफोर्स नाउ। और इस पे अभी भी अगर आप जाके देखोगे तो असासिन क्रीड है, विचर है, उसके बाद और भी गेम्स है, ये सारी चल जाती है, बट GTA नहीं चल पा रही थी दोस्त। और हमको पता है आप लोगों को GTA से कितना ज्यादा प्रेम है, हमने ढूंढ के निकाल दिया। आप लोगों को लग रहा हमारे स्मार्टफोन में 16/32 GB मेमोरी, 120 GB गेम कैसे डाउनलोड होके चल सकती है। और इसके छोटा सा जुगाड़ है, आपने काफी सारे लोगों को ध्यान होगा कि भाई थोड़े टाइम पहले तक हमको वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता था, उसके बाद वहां से मूवी डाउनलोड करनी पड़ती थी अपने लैपटॉप में, और अगर मोबाइल में देखनी है तो लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफर होती थी तब आप देख पाते थे। बट आप दोस्त नेटफ्लिक्स एंड चिल एवरी डे, और काफी सारे लोग लिटरली हार्ड ड्राइव रखते थे अपनी मूवीज की। अगर अब आपको मूवीज देखनी है, अमेज़न प्राइम है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, सारी सर्विसेज है, सेम गेम के लिए भी हो रहा है, बस काफी सारे लोगों को पता नहीं। और ये हमने दिखा रखा है पहले वाली वीडियो में, गेम्स किसी और सर्वर पे कहीं और चल रही है, बट हमारे मोबाइल के ऊपर खाली स्ट्रीम हो रही है और हम डायरेक्टली खेल सकते हैं, चाहे हमारे मोबाइल कितना भी बेकार सा हो, 1 GB रैम में भी हो, बट तब भी एकदम स्मूथ चलेगा, एकदम हाईएस्ट ग्राफिक्स पे। अब देख लिया चाहे असली सच, ये वाला एक्सबॉक्स का गेम पास है, इसको फटाफट खोल लेते हैं भाई। भाई हमने खोला और पहला हमको जो चल चरित्र दिखा, GTA 5 फोर्जा पबजी। दोस्तों पबजी पीसी वाली चला रहे हैं इसके मोबाइल के ऊपर, और जितनी मैं जैसे बैटमैन भी है, बैटमैन भी आप डायरेक्टली कहते हो तो रुको बैटमैन चला के देखो। ये एक्चुअली बेटा है इसका, पापा भी बाद में लॉन्च होगा, पहले बेटे लोग लॉन्च करते हैं, जस्ट लाइक बॉलीवुड। दिखा रहे वो चल रही है भाई, WB गेम्स, प्रेस A टू स्टार्ट। ये तो बटन ही नहीं है, अब खेला कैसे जाए ये नहीं समझ में आ रहा, रुको कुछ इसका जुगाड़ तो होगा। अरे भाई शक्ल दिखा दो हमको, शक्ल दिखा दो बैट भैया प्लीज, हमको खेलना है आपके साथ। अरे घर घर ही खेलने दो साथ में प्लीज। मेरे हिसाब से या तो हम इसमें एक माउस और कीबोर्ड लगाएं या फिर एक कंट्रोलर डायरेक्टली अटैच कर। चलो ट्राई कर, ये कोई अलग गेमिंग मशीन है, मोबाइल ही है, हम पहले ही वीडियो में इसको दिखा चुके हैं। हम चलाएंगे बैटमैन, जिन लोगों नहीं पता इस वाली गेम को कंप्यूटर में चलाने में भी हालत खराब हो जाती है भाई। ये तो वो स्टार्ट हो गई भाई, स्टार्ट हो गई। ओ भाई ग्राफिक्स सही लग रहे हैं भाई, मेरे को उम्मीद है। जोकर भैया आ गए भाई, जोकर भैया। One eternity later। बैटमैन हमने खेलने की पूरी कोशिश करी, बट जोकर के आगे बड़े नहीं रहता यार, अब हम क्या करते, हमने दूसरी चला ले रेस वाली। मेरे को तो GTA का भी डर लग रहा है भाई, चलेगी कि नहीं चलेगी, बट हम हार नहीं मानेंगे दोस्तों, लड़ लो। ओ भाई चलिए चलिए। ओ भाई ग्राफिक्स सही आ रही है भाई, बहुत ही स्लाइट सा पिक्सेलेशन है, बट पता भी नहीं चल रहा भाई। भाई एकदम ऑनेस्ट बताऊं तो ग्राफिक शुरू में अच्छी लग रही थी, और अभी भी ऐसे आपको रिकॉर्डिंग में सही लग रही होंगी, बट एक्चुअल में काफी पिक्सेलेटेड सा फील हो रहा है, बट जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो काफी अच्छी है। जैसे मैं लेफ्ट मोड़ता हूँ लेफ्ट मुड़ जाता है, राइट मोड़ता हूँ राइट मुड़ जाता है, और गेम खेलने में भाई डेफिनेटली मजा आ रहा है। ड्रिफ्ट मार के चक्कर ड्रिफ्ट, और अगर मैं ब्रेक लगा के 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ तो सारी ग्राफिक्स एक बार में अच्छे से रेंडर होती हैं और फिर मेरे को काफी क्लियरली दिखता है, बट जैसे ही मैं मूव करने लगता हूँ वैसी ग्राफिक्स वापस पिक्सेलेटेड से हो जाती हैं। हमको एक्चुअली लगा था कि भाई इंडिया में अवेलेबल है तो चल जाना चाहिए, बट इंडिया में फुल्ली अवेलेबल अभी नहीं है और हमको VPN लगा के चलाना पड़ा था। तो बेसिक इसका प्रोसेस ये है कि आप कोई भी फ्री VPN यूज कर सकते हो, जो इंडिया के बाहर का US UK कहीं का हो तो चल जाएगा। उसके बाद आपको एक्सबॉक्स की अपनी ऐप खोलनी पड़ेगी, और क्योंकि आपको ऑनलाइन मोबाइल पे खेलनी है तो इसके लिए एक्सबॉक्स का एक गेम पास होता है अल्टीमेट वाला, वो आपको लेना पड़ेगा। जितने लोगों के पास एक्सबॉक्स है या जो माइक्रोसॉफ्ट पे गेमिंग करते हैं उनके पास पहले से ही होता है, बट अगर नहीं है तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। बट अब आ जाते हैं दोस्तों फाइनल गेम के ऊपर, GTA 5 के साथ में प्ले का बटन दिख रहा है और ये हमारा मोबाइल है। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट सा हो गया, ये सेम वही हिरन, ये सेम वही लोग, ये वही गेम है असली ओरिजिनल, और अब टाइम आ गया है। बहुत डर लग रहा है, बैटमैन नहीं चली थी भाई, इसने धोखा दे तो बहुत दर्द होगा। 1 2 लोडिंग हो रही भाई, लोडिंग हो रही। ओह अरे यार ये वाली स्क्रीन, अरे तो आई दीदी है। ओ फ्रैंकलिन भाई अपने, ओए चल गई। अरे फ्रैंकलिन भाई, ओ भाई चल रही है गेम, चल रही है भाई। फ्रैंकलिन भाई अपना घूम रहे हैं, अंकल को मारते हैं। अरे अंकल ये मास्क नहीं मारता, कोरोना है यहाँ पे। फ्रैंकलिन ने वैक्सीनेशन करा लिया।
पास क्यों आ रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पता इसको, रुको सोशल डिस्टेंसिंग सिखाता हूं इसको। ए, ए, आग हम लगा रहे हैं, फायर ट्रक कहाँ जा रहा है भाई? अंदर अंदर। बिल्कुल मजाक नहीं भाई, गेम काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि भाई मैं एक्चुअल मोबाइल पे खेल रहा हूँ, बट ये गेम स्ट्रीम हो रही है। ओ, 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 पुलिस वाला, पुलिस वाला, मेरी मौत आने वाली है बस। ओहो, मृत्यु दंड मिल गया है दोस्तों, हमारी जीटे का यही अंत हो गया है। हम वापस आ चुके हैं भाई हॉस्पिटल के जिस बाहर खड़े हैं, बट काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो भाई काफी मस्त मस्त हमको काम करने में हेल्प करती हैं। और जब 2G पे चलाते थे, फिर उसका 3G पे चलाते थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था भाई कि हम मूवीज बिना डाउनलोड करे डायरेक्टली ऑनलाइन देख पाएंगे, बट अब हम हर चीज ऑनलाइन देखते हैं। IPL भी आधे लोग हॉटस्टार पे ऑनलाइन देख रहे हैं, और सेम चीज मेरे हिसाब से गेम्स के लिए भी होने वाली है। आपको बेटर इंटरनेट की स्पीड और ये पूरा गेम प्ले बिल्कुल ही हाई ग्राफिक में हो जाएगा। अभी भी अगर आप इसको आराम आराम से चलाओगे तो ग्राफिक्स काफी तगड़े आते हैं, बट ऑफ कोर्स इतने सारे ग्राफिक्स वहाँ ऑनलाइन लेके यहाँ पे रेंडर करके दिखाना काफी इंटेंसिव प्रोसेस रहता है, बट इसको चलाना काफी हद तक सिंपल हो गया और मुझे पर्सनली काफी ज्यादा मजा आया इसको चलाने में। आप भी खेल के ट्राई कर सकते हो, और इतना ही इस वाली वीडियो के लिए। होपफुली आप लोगों को मजा आता हो, अगर आता हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और हाँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।